गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 59th मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की ये हाइलाइट्स लेकर मैं शानू आप सभी के लिए हाजिर हो चुका हूँ। अगर बात की जाए सबसे पहले हुई मैच की शुरुआत टॉस के साथ, टॉस ऋतुराज ने यानी कि चेन्नई ने जीता और सीधा सीधा बल्लेबाजी का न्योता दिया गुजरात को। जी हाँ, गुजरात भी आराम से प्यार से आई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का रुख दिखाने लगी। जी हाँ, साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी आज बहुत ही कमाल चली। 5 ओवर में जीटी को सीधा सीधा 46 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद ओवर लेकर शुभमन गिल ने छक्का मारकर सुदर्शन के साथ 50 की ओपनिंग साझेदारी पहुंचाई। वे कुछ भी खेलो लेकिन पावर ओवर में चाहे मिचेल हो या जडेजा या फिर सरदुल और तुषार क्यों ना हो, इस जोड़ी ने किसी पर भी रहम नहीं किया। ये जोड़ी ऐसे लगातार चलती रही लेकिन 18वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बार फिर बाउंड्री लगाना सोची लेकिन शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ ये पारी टूट गई। लेकिन साई सुदर्शन 51 गेंदों पर 5 चौके और 7 छक्के लगाकर 103 रन बना चुके थे। इनके बाद डेविड मिलर शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए लेकिन शुभमन गिल उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे थे। तुषार के ओवर में आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाने की ताक में शुभमन गिल रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट हुए लेकिन तब तक गिल 55 गेंदों में 9 चौके और 6 छक्के लगाकर 104 रन बना चुके थे। इसके बाद डेविड मिलर का साथ देने के लिए शाहरुख खान मैदान पर उतरे लेकिन इनकी किस्मत कुछ ज्यादा खास नहीं थी। शाहरुख खान 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए लेकिन 3 गेंदों पर 2 रन बना के गए और डेविड मिलर ने 11 गेंदों पर 1 चौका लगाकर 16 रन बनाए और ये पारी यही खत्म हुई। गुजरात ने सामने सीएसके को 232 रन का टारगेट दे दिया था। इनिंग ब्रेक के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर उतरी और कप्तान ने कहीं ना कहीं सोचा कि अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र की ये जोड़ी आज कमाल करके दिखाएगी लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन रन आउट हो गए और 2 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। रचिन के बाद वहीं पर अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए। वहीं कहीं ना कहीं लग रहा था कि अजिंक्य रहाणे का मन आज गायकवाड़ साहब के साथ खेलने का नहीं था। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए वॉरियर की अगर बात की जाए तो अजिंक्य को आते ही पहली गेंद पर इन्होंने छक्का जड़ने वाली गेंद दे दी लेकिन अजिंक्य की गेंद बाउंड्री पार जाने का बिल्कुल नहीं सोच रही थी। वो तो जा बैठी राहुल तेवतिया की गोद में और राहुल की गोद में जैसे ही गई तो अजिंक्य कैच आउट हो गए। वहीं पर लगातार चेन्नई पर किस्मत भारी पड़ रही थी। जी हाँ, तीसरा ओवर लेकर आए उमेश जिन्होंने गेंदबाजी की और ऋतुराज की बल्ले से गेंद सीधा राशिद खान की कलाइयों में जा बैठी और इसी के साथ कप्तान गायकवाड़ भी कैच आउट हो गए। चेन्नई की किस्मत लग रही थी फैंस को बहुत ही खराब और कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि आज तो चेन्नई भाई साहब चुल्लू भर पानी में डूब जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिचन और मुईन अली की ये जोड़ी कहीं ना कहीं कमाल दिखा रही थी पर किस्मत फिर से बदली और 13वें ओवर में मोहित शर्मा गेंदबाजी के लिए उतरे। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही मोहित शर्मा ने मिचेल को गेंदबाजी की और मिचेल के बल्ले से गेंद जाकर सीधा सीधा शाहरुख खान के हाथों में जा पहुंची। यहीं पर इस शानदार जोड़ी का अंत हुआ। मिचेल 34 गेंदों पे 7 चौके और 3 छक्के लगाकर 63 रन बनाकर पवेलियन की ओर जा रहे थे। वहीं पे मुईन अली का साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे। 15वां ओवर लेकर फिर दोबारा से मोहित शर्मा मैदान पर उतरे। मुईन अली को ओवर की दूसरी गेंद कराई लेकिन मुईन अली का बल्ला नूर अहमद की ओर चला गया और नूर अहमद के हाथों मुईन अली कैच आउट हुए। मुईन अली की बेहतरीन पारी 36 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 56 रन बनाकर मुईन अली अब पवेलियन की ओर जा रहे थे। वहीं शिवम दुबे का साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यमराज बन चुके मोहित शर्मा फिर दोबारा से आए 17वें ओवर में और 17वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे को नूर अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद वो आए जिनका इंतजार हर किसी को रहता है। जडेजा का साथ देने के लिए अब एमएस धोनी मैदान पर उतर चुके थे। 18वां ओवर लेकर आए राशिद खान और सामने थे जडेजा। तीसरी गेंद पर जैसे ही राशिद ने जडेजा को गेंदबाजी की तो जडेजा की बल्ले से गेंद सीधा डेविड मिलर के हाथों में जा पहुंची
और राशिद ने रविंद्र जडेजा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद धोनी का साथ देने के लिए मिचेल आए, जी हाँ, लेकिन राशिद की ही पांचवी गेंद पर मिचेल का भी विकेट राशिद ने चटका दिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरे, जिन्होंने 4 गेंदों पर 3 रन बनाए और एमएस धोनी ने 11 गेंदों पर 26 रन बनाए। इसी के साथ साथ ये पारी भी खत्म हुई। 20 ओवर में 8 विकेट और 196 रन के साथ चेन्नई सुपर किंग ये मैच हार गई और 35 रनों से गुजरात टाइटंस ने ये मैच बड़े ही प्यार से जीत लिया। ये थी हाइलाइट्स गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की 59th मैच आईपीएल। फिर से होगी मुलाकात, मैं शानू लेकर आऊंगा आप सभी के लिए क्रिकप्लेक्स हाइलाइट्स।